नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निपुण चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा लॉजिटेक के वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का। दोस्तों, ये है लॉजिटेक का वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस। दोस्तों, मैं पिछले 10-11 महीने या लगभग एक साल भी हो गए होंगे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और यूज करने के बाद बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, बजट में भी है। नॉर्मली अगर आप वायर्ड कीबोर्ड माउस लेंगे तो कम से कम 300-400 रुपए में आपको मिल जाएगा। और जहाँ तक मैं वायरलेस की बात करूँ, इसलिए इसमें कोई वायर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस है आपको एक वाईफाई डोंगल है जो कि आपको कीबोर्ड एंड माउस के साथ मिलेगा। उसको आपने सिर्फ प्लग इन करना है और सब कुछ ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा। आपको अलग से कोई ड्राइवर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंस्टेंटली जैसे आप प्लग करेंगे वैसे ही आपका कीबोर्ड एंड माउस वर्क करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है और माउस है, ये जो खासकर तो कीबोर्ड है, ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, वॉल्यूम अप डाउन करने के, प्ले पॉज करने के, फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने के, कैलकुलेटर का, मैसेज का, मैग्नीफायर का, सॉन्ग का, वॉल्यूम का तो मैंने बताया, और ये जितने भी जो मल्टीमीडिया के जो फीचर्स हैं, ये सभी फीचर आपको इस छोटे से कीबोर्ड में मिलेंगे। दोस्तों, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है। इसकी एक दिक्कत ये है कि इतना कॉम्पैक्ट है, कभी कभी आपको कीज ढूंढने पड़ जाएंगे, पर एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप रह नहीं पाएंगे। बहुत ही स्मूथ है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करता है। जब आप इसकी टाइपिंग वगैरह करेंगे तो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, एकदम स्मूथ तरीके से काम करता है। बैटरीज जो मैं बताऊँ, जो कीबोर्ड में जो बैटरीज का जो इस्तेमाल होता है वो उसमें पतले सेल यानी AAA के सेल का इस्तेमाल होता है। वहीं जो इसका माउस है, ये माउस भी वायरलेस है, माउस में AA की बैटरी का इस्तेमाल होता है, और जब से मैंने लिया है तब से वही बैटरी चल रही है। क्योंकि इसमें एक फीचर है, वो ये है, इसमें ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। अगर आप 5 मिनट तक कीबोर्ड माउस इस्तेमाल ना हो तो ये कीबोर्ड माउस ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, पर जैसे ही आप इसको वर्किंग स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। नॉर्मली जो अदर जो कीबोर्ड एंड माउस आते हैं उसमें एक बटन होता है ऑन ऑफ करने का, लॉजिटेक के इस कीबोर्ड में कोई ऐसा कोई बटन नहीं है। ऑटोमेटिकली जब ये वर्किंग में नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खास और बढ़िया लगा इस कीबोर्ड का। दोस्तों, कीमत टिल डेट ये मार्केट में 1250 का अमेजन इंडिया में अवेलेबल है। मैंने इसको ऑफलाइन परचेज किया था दिल्ली में नेहरू प्लेस से, वहाँ भी मेरे को ये करीब 1250-1300 का पड़ा था आज से एक साल पहले। तो तब से लेकर अब तक यही एक कंपेनियन के रूप में मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप में, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। और लॉजिटेक की तरफ से 2 साल की वारंटी इसमें दी गई है। अगर इसमें कुछ भी हार्डवेयर प्रॉब्लम आती है तो इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप इसके सर्विस सेंटर में जाकर ऑन द स्पॉट आपको रिप्लेसमेंट इसकी मिल जाएगी कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस ये रहा, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप नॉर्मली 200 रुपए का आप कीबोर्ड खरीदते हैं, उसका आप यूज करते हैं, ठीक चलता है, 1-1.5-2 साल आराम से चल जाता है। पर दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा 1000 रुपए फालतू अगर देंगे तो आपको एक जबरदस्त एक बढ़िया सा वायरलेस कीबोर्ड विद माउस आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही किफायती है, बहुत ही दमदार है। आपको कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी इसको यूज करने में, और एक बार आप इसके यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो बेस्ट फीचर है वो है इसका मल्टीमीडिया बटन्स का फीचर, जो कि मुझे काफी लुभाता है और गेमिंग पर्पज से भी काफी अच्छा है। बटन्स काफी स्मूथ है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है, जबरदस्त लगता है। अगर आप इसको लेंगे तो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। मेरी ओपिनियन, क्या इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दोस्तों जरूर लेना चाहिए। अगर आपका डेस्कटॉप का ज्यादा काम है और वायरों से आप परेशान हैं, बारी बारी प्लग इन प्लग आउट ये सब करना पड़ता है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है टिल डेट मार्केट में अवेलेबल। तो दोस्तों, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मेरी ये रहेगी, अगर आप वायरलेस कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो लॉजिटेक का ये वायरलेस कीबोर्ड आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत है और बहुत अच्छा है और बहुत किफायती भी है। तो दोस्तों, और कुछ इतना खास नहीं है इसमें बताने लायक, जो कुछ है मैं आपको बता चुका हूँ। प्लग एंड प्ले है, सिंपल एंड स्वीट, कुछ ड्राइवर नहीं डालना, कुछ नहीं करना, सिंपल डालो और चलाओ। यूज नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, और आप इसको
जब आप इसे वर्क शुरू करेंगे तो ये उसी वक्त वर्किंग कंडीशन में आ जाता है और ये टेलनेट बहुत अच्छा चल रहा है। बैटरी बैकअप भी इसका काफ़ी अच्छा है, इसलिए एक साल से जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैंने अब तक कोई बैटरी इसमें नहीं चेंज की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में जाकर इस वीडियो के रिकॉर्ड में कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्यूचर में ऐसे ऐसे अपडेट्स पाने के लिए। थैंक यू।